इलनपुर के पोटे मैदान में कोकण उत्कर्ष प्रतिष्ठान आयोजित भव्य कोकण महोत्सव की शुरुआत रविवार शाम से हो गई है। ये महोत्सव 18 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित किया गया है। कल्याणपुर के विधायक गणपत सेठ गायकवाड़, चिपलुन गुहागर मतदार संघ के विधायक सदानंद चौहान ने तिसाई मंदिर से पोटे मैदान तक पालकी पदयात्रा में सहभागी होकर पोटे मैदान में महापौर राजेंद्र देवलकर की उपस्थिति में कोकण महोत्सव की जोरदार शुरुआत की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश कमेटी पर्यावरण उपाध्यक्ष सदानंद राव भोसले, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सचिन पोटे, नगर सेवक राजाराम पावसे, वंदना मोरे, नगर सेविका सुनीता खंडागले सहित अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। लगातार 8 दिनों तक चलने वाले इस कोकण महोत्सव में विविध सांस्कृतिक कला का आविष्कार, साक्षात गणपति पुड़े मंदिर की झांकी, रोज शाम को गणपति की आरती सहित मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खाने के शौकीन लोगों के लिए कोकण के स्पेशल डिशेस के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अमेजन पार्क, फूड पार्क, बच्चों के लिए विविध खेलों का प्रबंध किया गया है। नागरिकों ने हर दिन इस कोकण महोत्सव में उपस्थित रहकर इसका लाभ ले ऐसी अपील कोकण उत्कर्ष प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संजय मोरे, कार्याध्यक्ष रमाकांत देवलेकर, सलाहकार व प्रसिद्धि प्रमुख शरद राव शिंदे आदि ने की है। आज कोकण उत्कर्ष प्रतिष्ठान के वतीने प्रथमच कल्याणपूर्वे मध्ये अति भव्य असा आम्ही हा कोकण महोत्सव 2018 असा आयोजित केलेला आहे। तरी या सर्व माझ्या कल्याणकर, डोंबिवलीकर, अंबरनाथ, बदलापूर व सर्व ठाणे जिल्ह्यातील रहिवासींनी या कोकण महोत्सवात सामील होऊन या कोकण महोत्सवामध्ये शान वाढवाल ही अपेक्षा बाळगतो। उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या वतीने, कोकण उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या वतीने हा कोकण महोत्सव साजरा होत आहे। या कोकण महोत्सवामध्ये कोकण हा काय आहे, कोकणाचा निसर्ग कसा आहे, कोकणाची संस्कृती कशी आहे आणि कोकणामध्ये वैशिष्ट्य काय आहे, कोकणाने ह्या देशाला काय दिलेला आहे, ह्या मी संपूर्ण ह्या महोत्सवामध्ये सादर करीत आहोत। या देशामध्ये भारतरत्न मिळालेले आहेत, अशा 7 भारतरत्न ह्या कोकणाने दिलेले आहेत। या कोकणाचा निसर्ग हा 7222 किलोमीटरमध्ये आहे। या कोकणामध्ये खाद्यपदार्थ इतके उत्कृष्ट आहेत, जसं सगळेच लोक बोलतात की ह्या खाद्यपदार्थामध्ये फळांमध्ये जसा कडकपणा असतो आणि आतमध्ये नरम आणि गोडवा असतो, असाच हा कोकणी माणूस याच पद्धतीने आहे।